कांग्रेस जनों ने मनाई स्वर्गीय किशन मोटवानी की जयंती। उनके द्वारा अजमेर में किए गए विकास कार्यों को किया याद, अमर रहे के लगाए नारे। आज केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय किशन मोटवानी की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विजय जैन सहित कार्यक्रम संयोजक सोना धर्मानी सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने किशन मोटवानी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके द्वारा अजमेर में किए गए विकास कार्यों को याद किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि मोटवानी के द्वारा जिस तरीके से अजमेर को बीसलपुर परियोजना से जोड़ा गया, उनके इस कार्य को आज भी अजमेर का हर एक नागरिक याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी जी की आज जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशन मोटवानी जी का जो अजमेर के विकास में योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अजमेर की जीवनदायिनी बीसलपुर पेयजल परियोजना मोटवानी साहब की देन थी। इसके अलावा मोटवानी जी की जो कार्यशैली थी, हर कार्यकर्ता को साथ में रखकर काम करना, क्षेत्र में जब भी विकास का कार्य हो तो उस क्षेत्र के कार्यकर्ता के साथ लगकर काम करना, इसी वजह से आज प्रत्येक कार्यकर्ता उनको याद करता है। इस अवसर पर सभी कांग्रेसजन उन्हें शत शत नमन करते हैं। शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सेवा दल। हाँ बताइए, आज हमारे स्वर्गीय माननीय किशन मोटवानी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर उनको शत शत नमन, शत शत वंदन। अजमेर में जिस तरह किशन मोटवानी जी का योगदान रहा है और अजमेर के विकास को लेकर अजमेर में आज जिस तरह से कार्य और प्रगति हुई है, उसमें मोटवानी जी की जो भूमिका रही है उसको सदैव याद रखेंगे, सदैव स्मरण रहेंगे, उसको भुलाया नहीं जा सकता। चाहे अजमेर में आज बीसलपुर की पानी की योजना को अगर लेके आने वाले कोई हैं तो माननीय किशन मोटवानी जी हैं। किशन मोटवानी जी अजमेर में जिस तरह उन्होंने एक छत्र राजनीति के अंदर अपना राज रखा और सभी को साथ लेकर, सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ लेकर और सभी समुदायों को साथ लेकर एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कांग्रेस को जो यहाँ मजबूत किया और कांग्रेस को हमेशा उन्होंने जो है आम आदमी के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को पेश किया। सभी समाज, सभी वर्ग उनको आज याद करते हैं और किशन मोटवानी जी को पुनः एक बार उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन, शत शत।